हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी चैन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्लास 10th बोर्ड के लिए जो मैथ्स का एग्जाम है तो हम मैथ्स को कैसे फटाफट से चुटकियों में रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपका eSaral की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक eSaral के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स को इसी तरह चुटकियों में रिवाइज कर सकें। तो हम ये पूरा जो आपका मैथ्स का सिलेबस है इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपका चैप्टर 1 to 5 होगा, दूसरे पार्ट में चैप्टर 6 to 10 और जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका चैप्टर 11 to 15 और इस तरह आपका पूरा मैथ्स का कोर्स हो जाएगा फटाफट से रिवाइज। तो आज हम इस वीडियो में जो जो देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल्स की, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये पांचों चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं इस माइंड मैप से। देखिए कितना अच्छा माइंड मैप बना हुआ है, हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला आपको सिर्फ एक ही पेज पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये माइंड मैप तो इसका लिंक जो है वो भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से माइंड मैप को डाउनलोड कीजिए और भाई अपने कमरे की दीवार पे लगा दीजिए ताकि मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला आपसे ना छूट जाए। और देखो बच्चों, eSaral की हेल्प से आप और भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। eSaral देखिए, अगर हम 10th की बात करें तो 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उन सब के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, उनके NCERT के डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको eSaral ऐप में विद डिटेल्ड सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो आपका थोड़ा सा जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है सोशल स्टडीज, उसके भी लेक्चर नोट्स जो है वो आपको eSaral पर मिल जाएंगे। तो एक छोटे से डाउनलोड में जब आपको इतना कुछ मिल रहा है तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ और eSaral ऐप को डाउनलोड करो ताकि आप भी हमारे eSaral के बाकी के बच्चों की तरह अपनी स्टडीज से प्यार करने लग जाएं। So if you want to fall in love with your studies, just download eSaral app. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर की जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? आपके नेचुरल नंबर, उसमें अगर जीरो और है ऐड हो जाए तो वो हो जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे तो ओवरऑल वो बन जाते हैं इंटीजर्स। और जब हम इन सारे इंटीजर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। साथ में हमारे पास एक और टाइप के नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, और जो नंबर्स इन सारे नंबर्स को कवर करता है वो कहलाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, काफी टाइम से काफी क्लासेस में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 to b। बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो इस तरह के, कोई यूनिक इंटीजर q और r हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि यहां हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल ले 25 और 9, तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करें 25 को, तो देखिए डिवीजन में हमें पता है जो डिवाइड होता है वो कहलाता है डिविडेंड, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर, जो बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर, और जिससे वो डिवाइड होता है वो होता है क्वेश्चेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इनको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस
आर, भाई देख भी सकते हैं भाई ये 25/9 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा नंबर है इसको कैसे लिखा, 9 × 2, भाई 9 क्या है, भाई 9 आपका जो डिवाइजर है, जो आपका बी टर्म है, बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें EDA की हेल्प से HCF निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, जब भी हमें EDA की हेल्प से HCF निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर दिए हुए होते हैं A और B, तो उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने पर अगर हमारे पास वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर आर जीरो से बी में लाइ करता है, अगर आर इज इक्वल टू जीरो है तो बी उसका एच सी एफ हो जाएगा, लेकिन अगर आर जीरो नहीं है हम वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा कब तक, जब तक कि हमारे पास आर की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती है, ये हमें आता ही है। अब बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, वो क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 156 की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये प्राइम्स का जो ये हर एक नंबर होता है उसका जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, लेकिन क्या चीज कॉमन होती है, भाई जिस ऑर्डर में प्राइम आते हैं, भाई पहले 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, तो 156 को 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं, 140 को 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B, ये होता है product of two numbers, या हम ये कह सकते हैं product of any two numbers will be equal to HCF of those two numbers multiplied by LCM of those two numbers. For example, अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर दो number है 36 और 24, तो इसका जब हमने HCF और LCM निकाला तो जब HCF और LCM का multiply किया वो उतना ही आया जितना उन दोनों numbers का प्रोडक्ट आया, सिंपल सा रूल है, हमें आता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें पता है जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या वो टर्मिनेट ना हो। तो जो टर्मिनेट हो जाता है मतलब पॉइंट के बाद वो किसी वैल्यू के बाद आगे वो रिपीट नहीं हो रहा या फिर वो वहां आके खत्म हो जाता है, जैसे 2.0, 2.4, 2.13, 2.753, लेकिन 753 के बाद टर्मिनेट हो गया। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो यहाँ भी दो केसेस आते हैं, एक या वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, अगर रिपीटिंग है तो वो रेशनल है, जैसे 2.77777 एंड सो ऑन, इसको 2.7 और ऊपर ये बार से भी डिनोट किया जाता है, या फिर यहाँ पर जैसे 2.456789 और ये आगे चलता जा रहा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, तो इनको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, इनकी जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो ये कंटिन्यू चलती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ थ्योरम देखेंगे, क्या है वो थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ एक्स बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, terminates मतलब किसी decimal point के किसी particular number के बाद वो terminate हो रहा है, जैसे कि 2.632, बस यहाँ के बाद ये खत्म हो गया, मतलब ये 2 के बाद terminate हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, then x can be expressed in the form of p upon q and the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है तो हम उसको p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो q का फॉर्म आता है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो इसी थ्योरम का रिवर्स है, वो क्या कहता है, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ फॉर्म p
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी इसका मतलब क्या होगा, क्या हो रहा है, भाई रेशनल नंबर है p by q की फॉर्म में, और q जो है हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं। इसका मतलब वो जो नंबर है, वो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेट जरूर होगा। यानी कि जब भी आपको किसी भी रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग टेंडेंसी देखनी है कि भाई वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। अगर जो आपका q है उसको आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो टर्मिनेट जरूर होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब क्या होगा बताइए, सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्म में वो नहीं आता, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पॉलीनोमियल से। तो देखिए पॉलीनोमियल में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये टर्म है 2x2, तो यहाँ पर क्या चीज क्या डिनोट कर रही है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम इस टर्म की बात करें 2x2, तो यहाँ पे 2 होता है कोफिशियंट, जो x होता है वो होता है वेरिएबल, और जो x की पावर होती है उसको हम पावर या फिर हम उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे अगर a x की पावर n करे तो a जो है हमारा कोफिशियंट है, यानी कोई भी हमारे पास टर्म्स हो, इक्वेशंस हो, तो उसमें a b c वाली जो टर्म्स होती हैं वो होती है आपके जो कोफिशियंट होती है, वो x y z वाली जो टर्म्स होती है वो डिनोट करती है आपके वेरिएबल्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी भी पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है, भाई हमारा जो पॉलीनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, भाई ax प्लस b के फॉर्म में हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या किसी भी पावर का हो। अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर एग्जाम्पल अगर px कोई पॉलीनोमियल है ax प्लस b, तो वहां पर अगर कोई नंबर लाए करता है अल्फा जो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, हम कह सकते हैं अगर हम वहां पर x को, भाई इस x को अगर अल्फा से रिप्लेस कर दे, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ पी एक्स किस पॉइंट पर, x इक्वल टू अल्फा पर। और उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे p ऑफ अल्फा, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए जो p ऑफ अल्फा होगा वो कितना होगा, a अल्फा प्लस b, मतलब वैल्यू के लिए अगर आपको x इक्वल टू अल्फा पुट करना पड़ेगा उस वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अ रियल नंबर अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो। अब अगर वो x इक्वल टू अल्फा अगर आप किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर आपका जो आंसर है वो जीरो आ जाता है, तो उसको आप कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे मान लो आप x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखने पर, भाई यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी जो आ रही है 5, लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ नहीं आती और आपका आंसर 0 आ जाता, इसका मतलब ये जो 1 होता वो इस पॉलीनोमियल का क्या कहलाता, वो उसका 0 कहलाता। आगे देखते हैं, इफ x इक्वल टू अल्फा इज सच दैट p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू अल्फा इज सेट टू बी द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। वही बात है भाई, जहां इसको 0 कह रहे हैं, अगर x इक्वल टू अल्फा रखने पर 0 आता है, तो उनको हम रूट ऑफ द पॉलीनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में पढ़ने के लिए, बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ने के लिए आप eSaral ऐप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ पी एक्स विल कट द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। जो ग्राफ होगा पी एक्स का वो एक्स एक्सिस पर अल्फा पे कट करेगा, यानी जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है वो कहलाएंगे उसके रूट या फिर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल।
अल्फा इज टेकन एज रूट ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका रूट अल्फा हम कह सकते हैं, अगर वो क्वाड्रेटिक होगा यानी दो रूट होंगे तो हम अल्फा बीटा कह सकते हैं, अगर वो क्यूबिक होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं तीन रूट को अल्फा बीटा और गामा से। यहाँ पर अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, एनी लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम वन रूट एंड इज टेकन एज अल्फा, वही बातें जो हमने अभी देखी है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम दो रूट होंगे अल्फा बीटा, और क्यूबिक होगा तो उसके मैक्सिमम तीन रूट होंगे, वो होंगे अल्फा बीटा गामा। और लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी हैज ओनली वन जीरो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, भाई लीनियर है यानी ए एक्स प्लस बी है, इसको अगर हम देखें तो भाई ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यानी अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी इसकी सिंगल वैल्यू आ रही है, यानी इसका जो जीरो आएगा वो भी सिर्फ एक ही होगा, यानी कोई एक ही वैल्यू होगी ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जीरो इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ये बात हमने पहले भी करी है, जीरो वो होता है जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस, मतलब मैक्सिमम दो ही जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के वन भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर लेकिन वन होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री जीरोस। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू R एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या केसेस बनते हैं, अगर आपका जो a है, वैल्यू ऑफ a है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा उसका माउथ अपवर्ड होगा। कहने का मतलब अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ देखें जहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो भाई उसके जो रूट्स होंगे भाई एक्स एक्सिस को क्या कैसे कट करेंगे, या तो वो दोनों जगह दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेंगे तो दो रियल रूट आएंगे, अगर वो एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं यानी जो दोनों रूट है वो उसके बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा है यानी टू इक्वल रूट्स आएंगे, और या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे यानी कोई भी उसका रियल रूट नहीं आएगा। ये कौन सी कंडीशन है, जब ए ग्रेटर देन जीरो है यानी माउथ अपवर्ड है, अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हुई यानी अगर माउथ डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा, तो भी तीन कंडीशन आएगी, पहली के भाई दो पॉइंट पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यानी अल्फा बीटा उसके रूट्स होंगे दो रियल रूट्स, या वो किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है अल्फा बीटा के बराबर है दो इक्वल रूट्स, या फिर उसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी कि फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी जहां रियल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली के जो ग्राफ होगा इस केस में वो पैराबोला होगा, पैराबोला में या तो माउथ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो माउथ अपवर्ड, a लेस देन जीरो है तो माउथ डाउनवर्ड। नेक्स्ट जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है, फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, और अगर इक्वल रूट होंगे मतलब कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा, और अगर ग्राफ टच ही नहीं कर रहा इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई होंगी, ये सारी आइडेंटिटीज आपको बाय हर्ट होनी चाहिए, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, आपको याद भी है। सबसे पहले आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बताइए फटाफट भाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बच्चों जैसे मुझे याद है ना बिल्कुल वैसे ही आपको भी याद हो जानी चाहिए, तो फटाफट से जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ जरूर रिपीट करते जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक्स प्लस ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
x plus y plus z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, x plus y का होल क्यूब इक्वल टू x cube plus y cube plus 3xy plus x plus y, x minus y का होल क्यूब x cube minus y cube minus 3xy x minus y, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z bracket में next bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ये बहुत important है, इसका proof भी बहुत बार पूछ लिया जाता है. अगर आप इन सब identities के proofs सीखना चाहते हैं तो आप eSaral app पर इन सब के प्रूफ देख सकते हैं. बहुत अच्छे से विजुअलाइज करवा के आपको इनके प्रूफ समझाए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आइडेंटिटीज ऐसी ही क्यों होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं भाई, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ x होगी, या अगर हम कहें इसका जीरो, अगर हमें डायरेक्टली निकालना है और हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं माइनस बी बाय ए, यानी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स यानी जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो होता है माइनस बी बाय ए, या हम कह सकते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, भाई ये अल्फा बीटा क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अब तो आपको आता है, हम सिंपल रिविजन करें, भाई ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, तो सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाय ए. अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा टेकन टू एट टाइम, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होगा सी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा, तो वो कितना होगा माइनस डी बाय ए. ठीक है, देखो अब देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इजी है, आता भी है, पढ़ते हुए भी आए. भाई डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम काफी टाइम से बचपन से इसको देखते हुए आ रहे हैं, तो ये तो हमें बाय हार्ट है ही सही. इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, ये कहता है इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, या उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई जो डिग्री होती है Rx की वो हमेशा छोटी होती है डिग्री ऑफ Gx की. भाई आपका Gx क्या है, Gx आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और Rx क्या है आपका जो रिमाइंडर होता है वो, तो जो रिमाइंडर की डिग्री आती है वो हमेशा छोटी होती है किसके, डिवाइजर के. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी रिवाइज होता है. अब हम बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सबसे आसान चैप्टर है, कैलकुलेटिव चैप्टर है, फटाफट से इसके भी मेथड्स रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इनकी डिग्री होगी वन, दो वेरिएबल यानी यहाँ पर दो वेरिएबल आते हैं x और y, यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax plus by equal to c, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल्स है और इनकी पावर दोनों की वन है, या बोलो डिग्री दोनों की वन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं. अगर हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइंस है रिप्रेजेंटेड बाय a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो यहाँ पर इन दोनों लाइन्स की तीन कंडीशन आती है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो पहली कंडीशन, अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर ये कंडीशन आती है इसका मतलब जो लाइन्स है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, यानी इन दोनों इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट सेम हो, इसका मतलब भाई दोनों सेम ही तो लाइन होंगी, यानी वो जो दोनों लाइन्स है वो कोइंसिडेंट लाइन्स होती है. अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 हो लेकिन वो c1 upon c2 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब वो जो लाइन्स होती हैं वो पैरेलल लाइन्स होती है.
अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस आती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती है, इनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए हमारे पास जो तीन मैथड है वो होते हैं सब्सिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। फटाफट से इन तीनों मैथड को रिवाइज करते हैं। भाई सबसे पहला जो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड होता है उसमें क्या कहते हैं, भाई आपके पास x और y में दो इक्वेशन होती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, जो दोनों इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन को लिख लो। उसके बाद का स्टेप होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। जैसे कि अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू टू है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 है, तो इस यहाँ से हम x की वैल्यू 2 माइनस y लिख सकते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, अगला स्टेप, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, भैये इसको क्या करना है, इसमें पुट कर देता है, इसमें पुट कर देना है इन अदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन इन अदर वेरिएबल। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है, भाई अब क्या करो, सिंपल, जब इसको इसमें पुट कर देंगे तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसी एक की, तो हम उसको दूसरे में पुट कर देंगे, सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द रिलेशनशिप दैट इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला इक्वेशंस लिख लो, इक्वेशंस लिखने के बाद क्या करते हैं, हम कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आर न्यूमेरिकल इक्वल। कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर कर देते हैं। उसके बाद एज पर रिक्वायर्ड इफ द न्यूमेरिकल इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन, अगर वो ऑलरेडी ऑपोजिट हो साइन में तो उसको ऐड करते हैं, वरना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में आ जाती है, उसको हम सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू आती है उस वेरिएबल की उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हमारे पास जब ये दो इक्वेशन है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, भाई x जो है वो आ जाता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y आ जाता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। भाई ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये कैसे आया, तो इसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स है उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसको याद करने की, सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में दो केसेस आते हैं। सबसे पहला केस, भाई ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो, अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो मतलब कि एक्स और वाई की कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो ये जो सिस्टम होगा वो यूनिक सोल्यूशन देगा। एक और इसमें ये कंडीशन आती है कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो। अब जब ये ज़ीरो होती है तो यहाँ पर भी पहली चीज़ ये बनती है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, और ये किसी लैम्डा के बराबर है, यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। लेकिन एक और केस ये आता है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसका मतलब यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, यानी नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, वो होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम काफ़ी टाइप्स पढ़ते हैं। पहली टाइप इसमें जो वो होती है वो ये होती है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये दो इक्वेशन 47x प्लस 31y इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इक्वल टू 15। क्या है इसमें चीज़, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, x का जो कोफिशियंट है इस इक्वेशन का और y का जो कोफिशियंट है इस इक्वेशन का वो सेम है। सिमिलरली इसका y का कोफिशियंट और इसका x का कोफिशियंट वो सेम है। जब ऐसा इक्वेशंस आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो आपके पास इक्वेशंस आएगी वो बहुत
आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो जब भी ऐसा आए तो क्या करना है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। दूसरा जो आपका टाइप टू आता है वो इस फॉर्म में आता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के लिए हम 1/x जो होता है उसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि v, और 1/y को हम मान लेते हैं, मान लीजिए u। सिंपल सी बात है, इसमें पुट कर देते तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, भाई x को तो v माना है, भाई 1/x को तो v माना है, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू वी प्लस 1/3 इंटू यू इक्वल टू 2। सिंपल सा, ये तो हमारा लीनियर जो अभी तक की इक्वेशन हम जिस तरह सॉल्व करते हैं उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब उसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। नेक्स्ट जो टाइप आता है, टाइप थ्री, वो इस फॉर्म में आता है। तो कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, यहाँ पर क्या करो भाई, 1/(x-1) को सब्स्टिट्यूट कर लो u, और 1/(y-2) को सब्स्टिट्यूट कर लो v। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट ही करना है। सिंपल, इससे जब सॉल्व करेंगे तो आसान सी दो इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है टाइप फोर, जो इस फॉर्म में आता है। इसको बच्चे जनरली देख के डर जाते हैं, लेकिन भाई डरने की बात नहीं है, हम वैसे भी रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको बताइए कैसे सॉल्व करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को कैसे लिख दो भाई, 7x/xy-2y/xy=5। तो यहाँ से x से x हो जाएगा कट, यहाँ से y से y, इक्वेशन क्या हो गई भाई, 7y-2x=5। अब क्या करो भाई, सिंपल 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी डर लग जाता है कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, अज्यूम करो भाई यहाँ पे 1/x+y को u मान लो, 1/x-y को v मान लो, दो इक्वेशंस आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज को पुट कर लो, फिर दो इक्वेशन आएगी, फिर से सॉल्व कर लो। सिंपल सा है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन, भाई जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रोफाइल आता है, वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों, आपको सेंटेंस पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन सा चैप्टर, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है ax2+bx+c=0, जहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होते हैं और a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता, a की वैल्यू जीरो नहीं होती। और क्या कह सकते हैं भाई, x=α इज सेट टू बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2+bx+c वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ x=α सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ a² + b² + c इज जीरो। ये चीज हमने पॉलिनोमियल में भी सीखी हुई है कि कोई भी इक्वेशन है उसका जो रूट होगा या जीरो होगा, वो उसका रूट या जीरो तभी कहलाता है कि अगर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें और अगर हमारा आंसर जीरो आ जाता है तो वो उसका रूट कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है ax2+bx+c=0, इसको जो सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है x=-b+-√2b² - 4ac/2a। इसको हम सीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और ये जितने भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए ये एक तरह से हमारा डॉन है। जब भी समझ नहीं आए ये फॉर्मूला लगाओ, आपको चुटकियों में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, -b+√d/2a या फिर x=g -√d/2a, जहां पर जो d है वो क्या होता है, b² - 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और उसको कैपिटल D या डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए यहाँ पर जो आपका d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये हेल्प करता है आपको कि आप बता सके कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो अगर अल्फा बीटा उसके दो रूट्स हैं तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b+√d/2a, बीटा की -b -√d/2a। तो यहाँ पर सबसे पहला केस जो आता है वो होता है अगर d ग्रेटर देन जीरो है।
अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी उसका मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, भाई अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। दूसरा केस यहाँ पर आता है कि अगर जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो हो, अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब जो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे। भाई यहाँ पर ये जो डी है यही जीरो हो जाए तो मतलब आपका जो रूट है वो माइनस बी अपॉन टू ए ही रह जाएगा। तो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हर एक रूट होगा माइनस बी बाय टू ए, ये रिपीटेड रूट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आती है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर भी हो और इक्वल टू भी हो जीरो का मतलब रूट्स रियल होंगे ही होंगे। जो तीसरा केस आता है वो ये आता है कि जो डी है उसकी वैल्यू जीरो से कम हो, अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है तो कोई भी उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए हमने क्या चीज देखी, भाई डी ग्रेटर देन जीरो हुआ माउथ अपवर्ड होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो रियल रूट्स आएंगे रियल और इक्वल। डी की वैल्यू जीरो हुई तो इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दो इक्वल रूट से रूल रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आता है। तो यहाँ हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, वो ये है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट के बाहर आ सकता है, यानी डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जैसे ये कंडीशन आए तो सोच लेना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, द रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कैसे हो जाएंगे, भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी है तो प्लस से एक रूट आएगा और माइनस से एक रूट आएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि भाई डी ग्रेटर देन जीरो हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, इसका मतलब रूट जो है वो इरेशनल होंगे और वो एक कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर इस वीडियो का जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सबसे आसान होता है, सिर्फ इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फटाफट से देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term. The fixed number d is called the common difference. The general form of AP is a plus g, a plus 2d, a plus 3d. क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, AP क्या होती है, कोई भी हमारा एक टर्म हो उसमें कोई एक नंबर इक्वली एड करते जाए उस कि पहले वाली टर्म में। जैसे हमारे पास नंबर है ए, ए में हमने कोई नंबर डी ऐड किया क्या बन गया ए प्लस जी, ए प्लस जी में फिर डी ऐड किया क्या बन गया ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी में फिर एक नंबर ऐड किया क्या बन गया भाई ए प्लस थ्री डी। यानी कि हर एक टर्म जो दो कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है एपी के अंदर उनका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स ए वन ए टू ए थ्री इज एन ए पी इफ द डिफरेंस ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री गिव द सेम वैल्यू। ये हमने अभी देखा था कि हर कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए और उसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यानी अगर हम जनरल बात करें तो ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट, द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी जहां पर उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए हो कॉमन डिफरेंस जी हो तो उसका जो जनरल टर्म होता है वो हम डिनोट करते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन, मतलब एन डिनोट करता है कितने टर्म तक का हम सम निकाल रहे हैं तो एस एन एथ, यानी सम ऑफ एन टर्म विल बी एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बहुत सारे केसेस में आपको
फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म भी दे दी जाती है और उस केस में आपसे सम पूछ लिया जाता है, तो उसका भी बहुत आसान फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इससे आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट 5 चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है।